बाद ये देखा जाता है कि जैसे चुनाव करीब आते हैं टीएमसी के, तो जेट मशीन लगाकर अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान शुरू कर दिया जाता है और फिर उसमें बात की जाती है कि भाई हम काफ़ी काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने जो ये सवाल किया बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं चुनाव आते ही जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए वार्डों में घूम रहे हैं, मार्गदर्शन में वो एक जेट मशीन आती है, वो लेके सोसाइटियों में जाते हैं, उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद वो बोलते हैं कि भाई फलाना के मार्गदर्शन में हमने इस सोसाइटी का काम किया है, मतलब वोट लेने के लिए ये एक नया एक फंडा है। तो इस फंडे के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, जो असली काम था थाने महानगर पालिका से, वो 18 नगर सेवक जो एनसीपी के थे उनका काम था हर कामों के ऊपर ध्यान देना, लेकिन ये लोगों ने ध्यान नहीं दिए, सिर्फ अपनी बंगला और गाड़ियाँ बनाने में लगे रहे। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये सीवरेज लाइन की बात कर रहे हैं आप, जो बिल्डिंगों में बाथरूम का पानी होता है, जो 18 नगर सेवक के वार्डों में शायद 22 करोड़ रुपया जो पास हुआ था, वो आज तक सीवरेज लाइन का काम हुआ नहीं है, इसलिए वो पानी हर सोसाइटी में बह रहा है, उसका भी ये लोग शेयर ले रहे, जबकि इनका काम था महासभा में आवाज़ उठाना था कि 81 करोड़ रुपया एसटीपी प्लांट के लिए जब पास हुआ मुमरा शहर को, तो ये काम क्यों अधूरा है, ये मेरा काम नहीं था, ये लोगों का काम था, जनता ने जिसको चुन के भेजा था, लेकिन ये लोग सिर्फ कामों का कमीशन लेने के लिए काम करते हैं, बाकी ये लोगों को कोई काम करने को आता नहीं है। दूसरा और आखिरी अहम सवाल है कि मुमरा को जो बजट मिलना चाहिए था टीएमसी से, अब सोशल मीडिया पे खबरें काफ़ी गश करती हैं कि बजट पास नहीं हुआ, बजट नहीं मिला, इसको आप कैसे देखें? देखिए, मैं तो टीएमसी के कमिश्नर साहब को बताना चाहता हूँ, और मैंने कई बार मैं राइटिंग में यहाँ की जो भ्रष्टाचार काम था मैंने कहा था कि यहाँ पे फंड तो बहुत आ रहा लेकिन कहीं काम नज़र नहीं आया। जैसे कि 10 बिल्डरों के लिए वहाँ पे प्लान पास है, आप समझ लीजिए उसका कम से कम कितने सौ करोड़ पास हुआ है, जो एमएमएली मुमरा प्रभाग समिति से ये रोड आया है आपने अमृत नगर तक, तो उसमें, और दूसरा हो गया हॉस्पिटल, तीसरा हो गया है जो रोड 2016 में पास हुआ था, उसके बाद पानी की टाँकी के लिए 212 करोड़ रीमॉडलिंग प्लान के लिए भी पास हुआ था, मतलब काफ़ी पैसे इन्होंने यहाँ पे दिया लेकिन काम नहीं हुआ। शायद उस संदर्भ में देखते हुए कमिश्नर साहब ने मुमरा शहर को बजट नहीं दिया, और वो बजट लाने के लिए ये 18 नगर सेवक क्या आवाज़ उठाए थे इलेक्शन आते ही, ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारे शहर के लिए नहीं है, सौतेला व्यवहार है, ये सब यहाँ पे एक ऐसा अधिकारी बैठा है जो इनको ही चलाता है एनसीपी को, उनके वजह से हमारे शहर में जो हजारों करोड़ जो पैसे सरकार की तरफ से या टीएमसी की तरफ से आता है वो सब कहाँ जाता है, यहाँ की जनता को मालूम हो गया है। जावेद भाई, अभी तक जो सीवरेज की आपने बात की, तो क्या वजह है कि अभी तक काम नहीं हो पा रहा है सीवरेज प्लांट का? देखो, ये जो अहम ज़रूरत की चीज़, ये नगर सेवक लोगों का काम था, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दे रहे, जैसे चुनाव आने का टाइम हो गया, आप देख सकते हैं हर गली में, नक्कड़ में आप देख सकते हैं नाला खोदा पड़ा है, बिल्डिंगों में काम हो रहा है, तो इन लोगों मुमरा शहर की जनता को एकदम भोले ही समझ लिए कि भोले लोग हैं, इलेक्शन के टाइम हम काम करेंगे, सोसाइटी जाएंगे और हमारे मंत्री महोदय के लेके जाएंगे बिल्डिंगों में, उनका फोटो कॉल के ऊपर लोगों से हम बात करेंगे और वोट दे देंगे, हमारी फिर सत्ता रहेगी, इनका ये काम रहता है, तो इस पर हम लगाम लगा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें कोई डराने की कोशिश न करे, और हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं, और किसी को चाहिए तो हमारे से जेरेक्स लेके जाए, हमारे माहिती अंतर्गत जो भी कागज है हमारे पास मौजूद है। अभी तक मुमरा कौसा में कितनी बिल्डिंगों में सीवरेज की लाइन दी गई है? देखिए, 18 नगर सेवक में जो सीवरेज लाइन के ऊपर फंड पास हुआ था वो मुद्दत ख़त्म हो गया, लेकिन आज तक काफ़ी बिल्डिंगों में
सीवरेज का कनेक्शन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि 30 नंबर वार्ड में कोई एक नेता खड़ा होके जेट मशीन लाता है और एक लड़के को पगार पे रख के वो जब भी मशीन आती है तो फोटो लगा के बोलते हैं कि ये सोसाइटी में मार्गदर्शन में हमने साफ सफाई किया और जनता ने हमें दुआएं दिया। ऐसा ये जो चल रहा है ये बेबुनियाद है।